हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब तो मेरे बच्चे आप सब बहुत प्रो हो चुके होंगे, है ना? यस, ऐसे नहीं बोल रही मैम कि आपको मोटिवेट करने के लिए, ऐसे भी बोल रही हूँ बिकॉज हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, है ना। आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिले होंगे, आपको उसमें कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिला होगा। हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्वेश्चंस करना आ रहा होगा, है ना। आप खुद भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यू कैन डू क्वेश्चंस, है ना। और आज जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस हमेशा लास्ट में करते हैं, आज हम थोड़ी सी अपनी परंपरा को चेंज करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हम और करेंगे बेस्ड ऑन द डाईहाइब्रिड क्रॉस जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, भले ही डाईहाइब्रिड क्रॉस था वो, उसका रिजल्ट हमने देखा मोनोहाइब्रिड से वेरी कैसे करता था, बट डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद मेंडल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी जिसको हम एक फॉर्म ऑफ द लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका क्या मतलब था कि भले 2 हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे, एक सीड का शेप और एक सीड का कलर, बट इन दोनों जोड़े को, इन दोनों कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन था वो एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट था। ना इसको उससे मतलब था, ना दूसरे वाले को किसी और से मतलब था, है ना। तभी जब मैंने आपको सीड शेप और सीड कलर के लिए इंडिविजुअल सेग्रीगेशन दिखाया तो देखो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड जैसा आया ना, और जब जोड़ दिया तो बिल्कुल डाईहाइब्रिड जैसा आया, है ना। उस लॉ के एक एक्सेप्शन भी है जिसके बारे में आज पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा समराइज करेंगे अपने पिछले क्लास को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। हमने पिछले क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बेटा। मैंने आपको डाईहाइब्रिड करने के 2 तरीके बताए थे, या तो आप सिंपल डाईहाइब्रिड के रिजल्ट्स लिख लो, सारे जीनोटाइप्स लिख लो, फिनोटाइप्स लिख लो और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लो, या तो अपना टाइम अगर आपको बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंसिडर करके करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा हेटेरोजाइगस राउंड, तो आपको हेटेरोजाइगस राउंड जैसे ही क्वेश्चन में दिया जाए, मैंने आपको फिनोटाइप के साथ जीनोटाइप भी लिखवाया था अगर आपको याद हो, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस राउंड। हेटेरोजाइगस येलो कैसे लिखोगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं प्योर येलो लिखो तो प्योर येलो ऐसे लिखोगे, अगर मैं आपसे बोल दूं प्योर राउंड लिखो तो प्योर राउंड ऐसे लिखोगे, अगर मैं आपसे बोल दूं प्योर ग्रीन लिखो तो ग्रीन तो बेटा रेसिस्टिव फॉर्म में ही प्योर होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं रिंकल लिखो तो ऐसे लिखोगे क्योंकि रिंकल एक रेसेसिव है, रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। जैसे बोला जाए क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव भी आ सकता है इसी फॉर्म में, जरूरी नहीं है, ये तो हम आपको ऑप्शंस के फॉर्म में करा रहे हैं। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल। तो बेटा आपको फटाफट क्वेश्चन को देखते हुए जीनोटाइप्स लिखना आना चाहिए। जेनेटिक्स भाषा ही लैंग्वेज की है, अगर लैंग्वेज को समझोगे नहीं क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे थ्योरी पार्ट आएगा, बहुत माहिर हो थ्योरी लिखने में, आपको बहुत थ्योरी पढ़ाई जा रही है, बट क्वेश्चंस भी करना आना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आपको आगे जाके कोई कंपटीशन एग्जाम देना होगा तो उसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। और एनसीईआरटी ही सबका बेस है, अभी इसी एनसीईआरटी को पढ़ के आपको बोर्ड्स पे भी नंबर लाने हैं और आगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी निकालना हो इस चीज़ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो हमने ये लिख लिया, आगे क्या लिखा हुआ है, इनको सेल्फिंग की गई इनकी, ठीक है। That means सेल्फिंग का मतलब ही पता है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तो बिल्कुल डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना, ये बिल्कुल डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना। क्यों? क्योंकि देखो 1 हाइब्रिड 2 हाइब्रिड, तो इट इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं आपको बोलूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा क्रॉस है, क्या है ये, हाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड है, तो एक ही हाइब्रिड है तो ये मोनोहाइब्रिड है। आपको देख करके समझ में आ जाएगा बेटा मोनोहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड है, या ट्राईहाइब्रिड भी समझ सकते हो। जैसे देखो कैपिटल ए स्मॉल ए एक हाइब्रिड, इसी में मैं एक और हाइब्रिड जोड़ दूँ दूसरा, इसी में एक और हाइब्रिड जोड़ दूँ तीसरा, तो 1 2 3 कितने हाइब्रिड कंडीशन है, 3, तो ये कैसा है बेटा ट्राईहाइब्रिड। तो जैसा दिया है उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे अपना। तो आओ देखो क्या लिखा हुआ है कि इनकी सेल्फिंग की गई है। तो आप तो हमने तो पूरा रिजल्ट अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, हमने इसमें फिनोटिपिक रेशियो कितनी आती है 9:3:3:1 लिखा हुआ है। इनमें कितने प्रकार के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, 9 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। उनको लिखने का ट्रिक भी बताया था, उन ट्रिक को इस्तेमाल करके क्वेश्चन करना भी सिखाया था, है ना, वो भी आप कर सकते हो। बट आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं इस्तेमाल करूँगी मोनोहाइब्रिड, क्योंकि डाईहाइब्रिड बना किससे बेटा, मोनोहाइब्रिड। और वैसा भी आपको पता है ना मोनोहाइब्रिड इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, तो बार बार हम इतना बड़ा बड़ा 16 डब्बा बनाए, बार बार हम 9 जीनोटाइप लिखे, क्यों? जब हमारे पास अपना मूल मंत्र रेडी है, और वो मूल मंत्र क्या है? मोनोहाइब्रिड। तो उसका इस्तेमाल करें, आ जाओ करते हैं। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है बेटा, एक एक कैरेक्टर को लेकर के हम पे पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसका और इसका क्रॉस करा दो, ठीक है? इसका और इसका क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बिल्कुल मोनोहाइब्रिड जैसा रिजल्ट देगा, बिल्कुल मोनोहाइब्रिड जैसे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये एकदम मोनोहाइब्रिड जैसे हैं। क्यों? याद करो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या आता है? एक बार कैपिटल आर आता है, दो बार कैपिटल आर स्मॉल आर आते हैं, और एक बार स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है? आप दूसरा उठाओ, ये वाला, ये भी बिल्कुल मोनोहाइब्रिड जैसे रिजल्ट देगा। देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस करा दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी बिल्कुल मोनोहाइब्रिड जैसे नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा आपको? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल। ये तो हमने अपना मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कितने सीड्स आपको मिलेंगे जो पहले डोमिनेंट ट्रेट वाले हो और दूसरे रिसेसिव ट्रेट वाले हो। अच्छा, इन्होंने जीनोटाइप्स नहीं आपसे जाना है, बस ये जानना चाह रहे हैं कि पहला जो ट्रेट हो, पहला शुड बी डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है? तो आप खुद देखो बेटा, चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, डोमिनेंट कितने आने के चांसेस हैं? इसमें भी देख लो 3/4, इसमें भी 3/4, तो पहला डोमिनेंट क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, दूसरा रेसेसिव हो। रेसेसिव आने के कितने चांसेस होते हैं मोनोहाइब्रिड में? देखो 1/4, यहाँ पे भी देख लो 1/4, तो क्या करोगे, कितना आ गया? 3/16। जब सेल्फिंग की गई थी तो एनसीईआरटी कह रही हूँ, क्वेश्चन कहता है 800 सीड मिली थी, इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, आपको 150 ऐसी सीड मिलेगी, ठीक है? ऐसे क्रॉस में 150 सीड ऐसी मिलती हैं आउट ऑफ 800, जिसमें पहला डोमिनेंट रेट आपको दिखाई देगा, दूसरा आपको रेसेसिव दिखाई देगा। कहाँ मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, कितने इजी तरीके से मैंने मोनोहाइब्रिड का इस्तेमाल करके क्या पूछा हुआ था उसको निकाल करके 800 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी ऐसे कर सकते। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और भी मिलेंगे प्रैक्टिस शीट में, सॉल्व करना बच्चों, ठीक है? आगे चलते हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चंस को करना भी आपको आना चाहिए, जैसे ए बी एंड डी। ऐसा मानना है कि आपको ए बी एंड डी आर 3 इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग जीन्स विद देयर रेसेसिव एलील स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली। एक क्रॉस किया गया था किसमें किसमें? देखो, इनमें क्रॉस किया गया था किससे? इनके साथ। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। तो देखो क्रॉस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी। एक पेरेंट ये हैं, दूसरे पेरेंट कौन है बेटा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, दूसरे पेरेंट ये हैं। आपको जानना है कि अच्छा, ये तो बड़ा इजी है, आपको सिर्फ बताना है जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा। तो इजी, यहाँ से क्या बनाओगे बेटा? गैमीट्स बनाओगे। तो कितने प्रकार के गैमीट्स आएंगे? एक आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, दूसरा जो टाइप आएगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी। देखो यही दो टाइप पॉसिबल है, कोई और टाइप पॉसिबल है नहीं। टाइप्स ऑफ गैमीट्स हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। यहाँ से बेटा प्योर कंडीशन है, प्योर तो हमेशा एक ही देता है ना, क्या देगा? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। अब क्या करोगे बेटा? पनेट स्क्वायर बना लो, क्योंकि पनेट स्क्वायर तुम्हें सबसे बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे अबाउट द डिफरेंट जीनोटाइप्स। ये देखो डब्बा बना लिया, गैमीट्स बना लो, डब्बा बना लो। अब क्या करोगे? गैमीट्स में फ्यूजन करा दोगे। देखो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, और ये कैसा आएगा? स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। एक जीनोटाइप ये आएगा बच्चे का, और ये दूसरा जीनोटाइप ये आएगा, और कोई जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। तो बड़े आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर लोगे, है ना? ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज दिस। एक टेबल है जिसमें मैंने आपको समराइज करने के लिए, जैसे आपको मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड एक फ्लो में तैयार हो जाए, कितने गेमीट्स बनते हैं, कितने नंबर ऑफ जाइगोट्स बनते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आओ चलो देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ऊपर देखो, नाउ इट इज क्लियर दैट एक ट्रेट का सेग्रीगेशन या आप कह सकते हो वन पेयर ऑफ फैक्टर का सेग्रीगेशन अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। जैसे शेप का सेग्रीगेशन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ दी सीड का कलर, तभी हमें रेशियो वही वाली मिल रही थी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंगली द गेमीट्स मस्ट कैरी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। ये हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आओ ये देखो टेबल क्या है, टेबल में क्या क्या कॉलम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेट्स, अगर एक ट्रेट्स को हम स्टडी करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, दो ट्रेट को स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली तो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड में ये देखो एक हाइब्रिड कंडीशन है जिसकी सेल्फिंग कराई जा रही है, यहाँ पर दो हाइब्रिड कंडीशन है जिसकी सेल्फिंग कराई जा रही है। आप ये देख करके ही समझ जाओगे मोनोहाइब्रिड है या डाईहाइब्रिड है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके करते हैं आगे। यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ गेमीट्स निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा 2 to the power n। क्या फॉर्मूला है? 2 to the power n। n यहाँ पर क्या डिनोट करता है? देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेट्स। तो 2 to the power 1 फॉर्मूला में रख दो तो 2 गेमीट्स बन रहे थे, और वही तो गेमीट्स बन रहे थे बेटा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, याद करो बन रहे थे ना। फिर नंबर ऑफ जाइगोट्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ जाइगोट्स, जितना गैमीट आया, कितना गैमीट है 2, उसका स्क्वायर कर दो तो 4 जाइगोट बन रहे थे ना। खोल करके बैठो बेटा सारी कॉपी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहाँ पर पढ़ाया है लिखाया है प्लीज खोल करके बैठिए, तभी आप मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। 4 जाइगोट बन रहे थे, कौन कौन से? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, रिवाइज भी तो जा रहा है। उसके बाद फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 to the power 1, तो सॉरी 2 to the power n। n यहाँ पर क्या है? ट्रेड्स। कितने ट्रेड्स की स्टडी कर रहे हैं हम? एक। 2 to the power 1 कितना हो जाएगा? 2। कौन से 2 फिनोटाइप आए? एक आया था टॉल, एक आया था डॉर्फ। जल्दी जल्दी। उसके बाद जीनोटाइप का फॉर्मूला है 3 to the power n। n यहाँ पर क्या है? 1, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। 3 to the power 1 3। How many genotypes you were getting? You were getting the 3 genotypes. Capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t. और कोई मिला था भैया? नहीं मिला था। आ जाओ next. Phenotypic ratio, what you were getting? 3:1. Genotypic ratio, what you were getting? 1:1. और test cross ratio 1:1, है ना। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने कितने ट्रेड्स पढ़ने हैं? 2 ट्रेड्स को साथ में पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं टाइप्स ऑफ गेमीट्स निकालो निकालो निकालो, फटाफट कॉपी खोलो और निकालो, मेरे साथ करो बेटा। मैडम को कॉपी नहीं करना है, मैम के साथ करना है, बिकॉज सीखना आपको है, मैम सिखाने के लिए आई हैं, सीखने के लिए नहीं। तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। 2 to the power अब क्या करोगे? 2 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर n अब क्या है? 2 है। यू कैन सी, बिकॉज हम 2 ट्रेड्स पढ़ने वाले हैं। 2 to the power 2 अब क्या आ जाएगा? 4। और 4 गेमीट्स नहीं बन रहे थे? 4 टाइप्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई बन रहे थे। उसके बाद नंबर ऑफ जाइगोट्स, तो जाइगोट निकालने का फॉर्मूला या ऑफस्प्रिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गेमीट का स्क्वायर कर दो। गेमीट कितना बना? 4। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 डब्बे बने थे ना। 16 डब्बे क्या दर्शा रहे थे? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स व्हिच यू वर गेटिंग इन दी F2 जनरेशन। उसके बाद यहाँ आ जाओ, नंबर ऑफ फिनोटाइप। नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? 2 to the power n। यहाँ पर n क्या है? देखो 2, तो कितने फिनोटाइप आएंगे? 4। और 4 फिनोटाइप आए थे ना, कौन कौन से? राउंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, फिर आया था एक राउंड एंड ग्रीन, और क्या था? रिंकल्ड एंड ग्रीन। 4 फिनोटाइप। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है जीनोटाइप का फॉर्मूला 3 to the power n। यहाँ पर n क्या है? 2, तो 9 जीनोटाइप लिखवाए थे ना लाइन से। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो वो 3:1 का स्क्वायर ही था। अगर आप इतने पंडित हो ना तो 3 + 1 और 3 + 1 को मल्टीप्लाई करके देखना, यू विल गेट 9:3:1। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्या है, दो मोनोहाइब्रिड को मिला दो, स्क्वायर कर दो, तो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड में हम एक ट्रेड का सेग्रीगेशन पढ़े थे, डाई हाइब्रिड में दो क्रॉस का सेग्रीगेशन पढ़े थे, और ऐसा मेंडल जी को लगा था कि दोनों कैरेक्टर्स के जो जीन हैं उनको आपस में ले देना है नहीं, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं. तो एक का 3:1, दूसरे का भी 3:1, इन दोनों को मिला दो, यू विल गेट दी 9:3:3:1. ठीक है, 9:3:3:1. उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो वाज नथिंग बट वो 1:1 का स्क्वायर ही था, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. और टेस्ट क्रॉस रेशियो भी क्या आएगा बेटा, 1:1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होगा 1:1:1:1. अब बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत अच्छे बच्चे स्मार्ट होंगे तो वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होंगे टेस्ट क्रॉस. अगर मैं आपसे बोलूं टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड का क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड का क्या होता है, सबसे पहली बात तो टेस्ट क्रॉस ही क्या होता है. टेस्ट क्रॉस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर आपको जीनोटाइप नहीं पता है उसका, आप जीनोटाइप जानना चाहते हो तो टेस्ट क्रॉस कर लो. मैडम टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मैडम ने आपको बताया था कि टेस्ट क्रॉस में हम F1 जो आता है उसका क्रॉस कराते हैं उसके रेसेसिव पेरेंट वाले जीनोटाइप से, यही पढ़ा था ना हमने. F1 मोनोहाइब्रिड में कैपिटल T स्मॉल t आया था, उसका हमने क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से करा लिया था, तो इसका रिजल्ट आया था 1:1. सिमिलरली टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड के लिए भी कराया गया कि हमें जीनोटाइप सबका पता चल सके. ठीक है, तो कैसे कराओगे, F1 में जो बच्चे आए, जो जीनोटाइप आया, जो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म आया, इसका तुम क्रॉस करा दोगे डाई हाइब्रिड के रेसेसिव पेरेंट वाले जीनोटाइप्स थे. तो डाई हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट क्या था, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल y, यही था ना. और F1 क्या आया था बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करा दो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई से, है ना. यहाँ से तुम्हें कितने टाइप्स ऑफ गेमीट्स मिलेंगे, चार. कौन से चार टाइप्स गेमीट्स मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. इधर से तुम्हें प्योर कंडीशन है बेटा, तो एक ही टाइप ऑफ गेमीट मिलेगा, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब क्या करा दोगे, अब करा दोगे तुम इनका क्रॉस. ठीक है, डब्बा बना के क्रॉस कराना है, जैसे मर्जी करा सकते हो. क्रॉस करा दो इनका, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इससे करा दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इससे करा दो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका इससे करा दो स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो टेस्ट क्रॉस में हम जीनोटाइप देखते हैं. आप खुद देख लो बेटा, ये जीनोटाइप सबसे अलग है, ये जीनोटाइप सबसे अलग है, ये जीनोटाइप सबसे अलग है, ये जीनोटाइप सबसे अलग है. चार बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, फिनोटाइप की बात नहीं कर रहे, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं. चार बच्चे की पॉसिबिलिटी आ रही है, चारों का जीनोटाइप अलग है, इसका 25% आने की संभावना है. 25 मतलब ये पॉसिबिलिटी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4. तो रेशियो क्या आया, 1/4:1/4:1/4:1/4. इसको सिंप्लीफाई कर दो तो रेशियो आएगी 1:1:1:1. ठीक है, तो ये क्या है, ये किसकी रेशियो है बेटा, ये हमारे टेस्ट क्रॉस की रेशियो है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था. इस प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और ये जो रिजल्ट आया है इसको फिर हम रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस कहते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड का क्या होगा, तो वो 1:1:1:1 होगा. क्लियर हो गया, ओके. नेक्स्ट है, अच्छा, एक और प्रकार का इनहेरिटेंस जिसका एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में लिखती है बेटा, हल्का सा 2-3 लाइन मिलेगा तो हम भी उतना समझ लेते हैं, और उस इनहेरिटेंस का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अच्छा, मेंडल जी के अकॉर्डिंग, मेंडल जी ये कहते थे बेटा, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट नॉट द क्वांटिटी, बट इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अगेन यू विल सी दैट क्वांटिटी इज डोमिनेंट. अमाउंट कितनी मात्रा में है वो हावी हो जाता है क्वालिटी के ऊपर. ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का एक्सेप्शन समझ सकते हो तुम, किसका, मेंडेलियन थ्योरी का. दूसरा मेंडल जी के अकॉर्डिंग ना बेटा हर चीज हर ट्रेट एक्सट्रीम आएगा, दैट मीन्स एक्सट्रीम टॉल एक्सट्रीम डॉर्फ, प्लांट के केस में उन्होंने यही बोला। पर आप खुद देखो, अपने आसपास देखो, अपने नेचर में देखो, क्या ऐसा है क्या एक्सट्रीम ट्रेट्स ही हमेशा मिलते हैं? अगर अपनी हाइट की बात करो बेटा, ह्यूमंस की हाइट की बात करो, क्या हमारे ह्यूमन की हाइट में अगर आप आसपास अपने आजू बाजू देखते हो तो क्या हमेशा हाइट सबसे बड़ी आती है 7 फुट 8 फुट 9 फुट जिसको भी हम मानते हैं, और एकदम छोटी आती, इतनी छोटी होती तो मैं कैमरे तक कैसे आती, है ना? आपको ऐसा लगता है कि जब हम फिनोटाइप एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फिनोटाइप्स जब एक्सप्रेस होते हैं तो हमेशा हमें एक्सट्रीम वाला ही दिखाई देता है। अगर मैं हमारे हाइट का एक्सट्रीम बोलूं, या तो एक्सट्रीम टॉल या तो एक्सट्रीम डॉर्फ, ऐसा है क्या नेचर में? देखो, अपने परिवार में देखो, अपने आसपास देखो, ठीक है? जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी होंगी, पापा होंगे, भाई बहन होंगे, खिड़की से बाहर देखोगे, शायद कोई बच्चे खेल रहे होंगे, बालकनी में खड़े होकर के देखो, पॉज करके देखो, ऐसा है क्या? नहीं है। हमारे में तो हम कहते हैं बेटा एवरेज हाइट इज कॉमन, कहाँ आपको हर बंदा 6 फुट और 6 फुट 3 इंच का दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या? नहीं, एवरेज हाइट चलती है ना? ग्रेडियंट्स में फैला हुआ होता है फिनोटाइप। ग्रेडियंट्स में फैला हुआ होने का क्या मतलब है? हम कहते हैं यार तुम्हारी हाइट उससे ज्यादा है, फिर हम कहते हैं तुम्हारी हाइट उससे कम है, तो कम ज्यादा क्या है बेटा? ग्रेडियंट है। और नेचर में, पॉपुलेशन में हम ज्यादातर फिनोटाइप्स इसी प्रकार के देखते हैं जो ग्रेडियंट्स में फैले हुए होते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा अभी हाइट का। सिमिलरली हमारा स्किन कलर, बहुत सारे लोग विचलित होते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है? जैसे अभी एक क्रीम का भी आपने सुना होगा, बीच में आया था बेटा कि नाम में से फेयर वर्ड हटाने के लिए, मतलब हटाने के लिए कहा गया था। क्यों? बिकॉज बेटा ये जीन कंट्रोल कर रहा है। यू कांट अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ क्रीम एंड देन यू कैन बिकम गोरा सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा नहीं होता। दिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन। येस, देर आर सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है? बट कोई क्रीम प्रोडक्ट लगाने से तुम फॉर अ टाइम बिंग जरूर गोरे दिख सकते हो, जैसे हमारा फाउंडेशन और फेस पाउडर का रोल होता है, पर परमानेंटली नो, है ना? क्यों? अच्छा, सबसे पहली बात, क्या स्किन कलर में भी हमें एक्सट्रीम ट्रेड्स मिलते हैं? कोई एक्सट्रीम डार्क स्किन कलर का है, कोई एक्सट्रीम वाइट स्किन कलर का है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, नहीं होता। हम अपनी बात करें, आसपास लोगों की बात करें, आप देखो अपने क्लास में, स्कूल जाते होंगे आप, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के स्किन कलर दिखाई देते होंगे। कोई किसी से ज़्यादा गोरा, कोई किसी से कम, कोई ज़्यादा डार्क, कोई कम डार्क, इस प्रकार के स्किन कलर आपको दिखाई देते होंगे, है ना? तो ज़्यादा कम, दैट मीन्स हम अगेन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन में फिनोटाइप्स ग्रेडियंट में फैला हुआ है। तो मेंडल जी की ये थ्योरी कि फिनोटाइप्स हमेशा एक्सट्रीम आए, ये पूरी तरीके से इतनी सही नहीं थी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अपना स्किन कलर और ह्यूमन हाइट के एग्जाम्पल्स को लेकर के समझ सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी बेटा, आप बच्चे हो, आप बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि वी शुड नॉट डू रेसिज्म थिंग, है ना? और स्कूल में या अपने घर में काला या गोरापन ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीज आर रेसिस्ट वर्ड्स एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग इट, ठीक है? अब मैम को तो पढ़ाना है बच्चों, तो मैम को पढ़ाना पड़ेगा, बट आप पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करने हैं वर्ड्स, नॉट फॉर अदर पर्पसेस। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे। अब आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। सॉरी, एक्सक्यूज करना, मैम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैम को थोड़ा खांसी हो गया है, बाकी कैन मैनेज वेल। ओके, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। ये जो हम एग्जाम्पल अब पढ़ने वाले हैं बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें आप देख सकते हो वर्ड पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली मीन्स मैनी। तो हमारे नेचर में बेटा ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जो कैरेक्टर, जैसे स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन नहीं है, मल्टीपल जीन्स आर देयर, many genes are there. तो जब one character is controlled by more than one gene, ऐसे जीन को हम पॉलीजीन बोलते हैं। और स्किन कलर का फिर जो इनहेरिटेंस कहलाता है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है, और ऐसे ट्रेट को, स्किन कलर को हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, पॉली मतलब मैनी। ठीक है, तो हम देखो क्या लिखेंगे, सच जीन्स which control such character is known as polygenes। ठीक है, कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, सच कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, स्किन कलर क्या है, दैट इज पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट। एंड इस प्रकार के इनहेरिटेंस को, सच इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाउ यू विल डिफाइन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन दिस इनहेरिटेंस one character, for example skin color, human height, is controlled by more than one gene। ठीक है, तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, इसको एक और नाम दिया गया है क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन बेटा डिटरमाइन करती होगी फिनोटाइप। हाउ कम, लेट्स सी। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, जहां पर क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। किसकी क्वांटिटी, डोमिनेंट जीन की क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं दे हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब एड ऑन इफेक्ट, मतलब एक डोमिनेंट होगा बढ़िया है, दो डोमिनेंट हो और बढ़िया, तीन डोमिनेंट हो और बढ़िया, एड ऑन, एक से भले दो, ऐसा समझ लो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। जहां पर हर एक डोमिनेंट का, एलील का अपना काम होता है अपने हिस्से का फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम बनाना, और पूरा का पूरा फुल ट्रेट मतलब डोमिनेंट ट्रेट, और पूरा का पूरा डोमिनेंट ट्रेट तभी देखने को मिलेगा जब सारी की सारी डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करवाऊं, एक हमने क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है, किसका, स्नैपड्रैगन वाले फ्लावर का, है ना। वहां पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, कैपिटल आर था और एक कैपिटल आर स्मॉल आर वाली कंडीशन थी। जब ये था तो रेड स्नैपड्रैगन का कलर आ रहा था फ्लावर का, और जब ये था तो पिंक आ रहा था। क्यों, क्योंकि बेटा ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस था, तो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर करती थी, किसकी, डोमिनेंट की। तो इस ये वाला जो कैपिटल आर यहाँ पर एक ही है, तो इसने तो बेटा सिर्फ अपने हिस्से का एक्सप्रेशन दिया, है ना। यहाँ पर दो है तो इसने अपने हिस्से का दिया और इसने भी अपने हिस्से का दिया, है ना। और पूरा का पूरा डोमिनेंट ट्रेट कब देखने को मिला, जब सारे के सारे डोमिनेंट जीन मौजूद थे, सारे के सारे एलील्स डोमिनेंट थे। तो यहाँ पर भी वही कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा डोमिनेंट ट्रेट तभी देखने को मिलता है जब सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स मौजूद हों। तो सारे के सारे डोमिनेंट एलील, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील, दैट इज वाई इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और बस बताऊंगी, बस थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यस, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए स्किन कलर का। आपको पता है बेटा हमारा जो स्किन कलर है, इसको एक पिगमेंट कंट्रोल करती है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, कंट्रोल्ड बाय पिगमेंट, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल्ड बाय मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। अब जिसके पास जितना मेलानिन बेटा, उसका स्किन उतना ही डार्क होता चला जाता है ना, जिसके पास जितना मेलानिन, उसका स्किन कलर उतना ही डार्क होता चला जाता है। तो मेलानिन प्रोडक्शन कौन डिटरमाइन कर रहा है बेटा, मेलानिन का प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय 3 पेयर ऑफ जीन्स, जो कि आप देख सकते हो बोर्ड पर। अगर तीनों के तीनों पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तीनों के तीनों पेयर डोमिनेंट है, सारे एलील्स डोमिनेंट हैं, तो स्किन कलर एकदम डार्क आएगा, क्योंकि सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं, तो सब भर भर के मेलानिन बनाएंगे। और किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी इंसान में भर भर के मेलानिन बनेगा बेटा, तो उसका स्किन कलर वेरी डार्क कह सकते हो, एक्सट्रीम डार्क कह सकते हो, जिनको हम निग्रो भी कहते हैं या ब्लैक भी कहते हैं। निग्रो इज अ रेसिस्ट वर्ड, वी शुड नॉट यूज इट, ठीक है। यस, अब अगर सारे के सारे जो जीन्स हैं वो अपने रेसेसिव फॉर्म में हो, ये भी रेसेसिव, ये भी रेसेसिव, ये भी रेसेसिव, मिनिमम अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन, तो स्किन कलर उतना ही साफ, गोरा, फेयर, तो दिस वाज एक्सट्रीम फेयर, वेरी लाइट, या आप इनको क्या कह सकते हो, वाइट। तो अगर हम इस प्रकार का एक, तुम्हारी मान लो मम्मी ऐसी हैं, ठीक है, पापा ऐसे हैं, अब हो गया प्यार, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब बच्चे आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बनेंगे, तो ये प्योर है, तो यहाँ से इस प्रकार का गैमीट बन जाएगा, ये दिस इज द गैमीट। इस पेरेंट से कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी बनेगा, है ना। अब इनका क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दोगे तो देखो F1 कैसी आएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर ये क्वांटिटिव नहीं हुआ होता, सिर्फ क्वालिटी पे डिपेंड करता, तो सोचो इसका फिनोटाइप क्या आता, इसका फिनोटाइप ब्लैक आता या एक्सट्रीम डार्क आता। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस चलती, बट क्योंकि ये क्वांटिटी पर बेस्ड है, क्वांटिटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं चलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने डोमिनेंट जीन्स है बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तीन ही डोमिनेंट जीन्स हैं। पूरा का पूरा डोमिनेंट ट्रेड देखने के लिए कितने डोमिनेंट एलील चाहिए थे बेटा आपको, 6 डोमिनेंट एलील चाहिए थे, यहाँ पर सिर्फ 3 है, आधे। तो स्किन कलर डार्क नहीं आता, बीच वाला कलर आता है, इंटरमीडिएट स्किन कलर जो होता है। और इंटरमीडिएट स्किन कलर को हम क्या कहते हैं, मुलैटो, क्या कहते हैं बेटा, मुलैटो। तो ये आपको सिर्फ ये बताया गया है इस क्रॉस के थ्रू कि देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट नॉट दी क्वालिटी, दैट इज वाई ऐसे क्रॉस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जब आप मुलैटो और मुलैटो की शादी हो जाए, मतलब इसका और इससे सेल्फिंग करा दो, तो देखो ये एक प्रकार का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बन गया। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, जो ज़्यादा इच्छुक बच्चे हैं वो खुद कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यू नीड नॉट टू डू। ये तो सिर्फ आपको समझाया गया है किस प्रकार से क्वान्टिटी मैटर करती है, ठीक है। तो ये है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी की लाइंस की, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बेटा, मेंडल इज सेड टू बी द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट मेंडल जी ने काम किया और सक्सेसफुल हो गया ऐसा नहीं था। मेंडल जी को सक्सेस मिली थी उनके मरने के बाद, ठीक है, क्योंकि मेंडल जी जब तक जिंदा थे ना बेटा, उनके काम को किसी ने सराहाया ही नहीं। वो वही कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है जब उस दुनिया से चले जाओ, है ना। तो मेंडल जी के साथ भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेंडल जी ने इतनी मेहनत की, 7 साल लगा दिए अपने मटर के प्लांट पर, उनका सच्चा प्यार बस मटर का प्लांट था। बट उनकी जब थ्योरीज निकल के आई, उन्होंने जब इतना मेहनत करके अपने किताबों में अपने वर्क को पब्लिश किया, नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट इट, और कोई रिकॉग्निशन नहीं थी। इनके मरने के 16 साल के बाद मेंडलिज्म वाज रीडिस्कवर्ड, मेंडल की थ्योरी वाज रीडिस्कवर्ड बाय सम ऑफ दी साइंटिस्ट, ठीक है। तो आओ चलो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं और मेंडल की थोड़ी बातें पढ़ते हैं। तो क्या है देखो, मेंडल जी ने अपना काम स्टार्ट कब किया था? मेंडल जी ने अपना काम स्टार्ट किया था 1856 में, मटर में जो काम स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था कि मटर पर ही किया और सक्सेसफुल हो गए, ये कुछ और प्लांट पे काम कर रहे थे बेटा, बट वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए मटर ही बहुत फेमस है मेंडल जी के वर्क से रिलेटेड। तो मटर पे काम करना इन्होंने स्टार्ट किया था 1856 में, और इनका काम खत्म हो गया था, और इनकी किताब जो था, इनका जो वर्क पब्लिश हुआ था बेटा 1865 में। 1856, 6 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, इनका पब्लिश ईयर वाला आ जाएगा। उसके बाद लेकिन उनके वर्क को बेटा कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली टिल 1900, 1884 में तो बेटा ये मर भी गए थे, लड़ाई उड़ाई। 1865 में अपना काम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, पब्लिश वगैरह सब कुछ हो चुका था। 1884 में बेचारे ये मर भी गए। बच्चों से पूछो ना क्यों मरे, कहते मैम डिप्रेशन हो गया। बेटा संत आदमी थे, प्रीस्ट थे, इस लोगों को कहाँ डिप्रेशन होता है? और अभी डिप्रेशन इज तो कॉमन ना, पुराने ज़माने में कहाँ ऐसी डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन कहाँ सुनते थे आप, ठीक है, तो इनका एक ऑर्गन था जो फेल हो गया था, दैट इज़ वाई ही डाइड, बट कोई रिकग्निशन नहीं, 1884 तक कोई रिकग्निशन नहीं। इनके मरने के 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, तो इसमें 16 जोड़ दो बेटा, कितना आ जाएगा 1900। इस दौरान मेंडल की थ्योरी वॉज रीडिस्कवर्ड, मेंडलिज्म वॉज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। लेट्स सी, अगर साइंटिस्ट का नाम होगा तो ज़रूर बताएंगे। अब ये देखो सारी एनसीईआरटी की लाइनें, मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द स्क्रीनशॉट वी आर रीडिंग द लाइन्स। और चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्यों मेंडल जी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली, क्यों मेंडल जी का जो काम था किसी ने नोटिस नहीं किया, क्यों मेंडल जी को अप्रिशिएट नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, एक एक करके रीजंस पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, आप चाहो तो पूरा पूरा मत लिखना, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, सिर्फ वही लिखना। कम्युनिकेशन बेटा उस ज़माने में, ये दिस इज योर मेन पॉइंट, कम्युनिकेशन बेटा उस ज़माने में इतनी ईजी थी नहीं। आज तो बेटा तुम कुछ भी डालते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, द थिंग्स गेट वायरल, कोई गाना गा रहा है बादाम बेचते हुए, है ना, कोई कुछ कर रहा है, इतने जल्दी चीज़ें फैल जाती हैं आग की तरह, थिंग्स गेट वायरल वेरी ईजिली, ठीक है। किसी को प्रमोट कराना है, ठीक है, कहीं एक बच्चा है बहुत होशियार है बट लैक ऑफ फंड्स हैं, तो उसकी कहीं पर न्यूज़ आती है, कोई उसको कवर करता है, ठीक है, वायरल, ठीक है, और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है। अभी तुमने नोएडा में देखा था, कोई बंदा भाग रहा था, भागते भागते ही वॉज गोइंग समवेयर, किसी ने नॉर्मल इंटरव्यू लिया एंड वो चीज़ इतनी वायरल हो गई। तो आज के ज़माने में चीज़ों को नोटिस करवाना, अप्रिशिएट करवाना इज़ मच मच ईजियर, बिकॉज ये ज़माना बेटा सोशल मीडिया का है। और मेरे प्यारे बच्चों तो जानते ही होंगे उस ज़माने में चीज़ों को नोटिस करवाना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कम्युनिकेशन इतनी ईजी नहीं थी। तो जो इनका काम था ना बेटा वो लिमिटेड पेपर में ही पब्लिश हो पाया था, ठीक है। वैसा तो इन्होंने काम कर लिया तो डाल दें। आजकल जॉब्स के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन आपने नाम सुना होगा, है ना, नेटवर्क अपना करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। देखो क्या लिखा हुआ है, इनका वर्क जो था वो वाइडली पब्लिसाइज हो ही नहीं पाया बिकॉज कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। इनकी जो कॉपीज़ थी वो बहुत लिमिटेड मात्रा में ही सर्कुलेट हुई थी। और इनका कहाँ पर सबमिट हो बेटा, जब रिसर्च करते हो ना तो एक जगह पब्लिश होती है, तो इनका काम देखो कहाँ पर किस नाम से पब्लिश होता है, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी, यहाँ पर इनका पब्लिश हुआ था, इस जगह पर, ठीक है। और इनके टाइटल का नाम था एक्सपेरिमेंट्स प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी आपकी देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, इनका जो कंसेप्ट था, किसका कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग एंड डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर्स डिड नॉट फाइंड एनी कंटेम्पररीज एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंटेम्पररीज। अब अच्छा ये कहते हैं जो फैक्टर है जिसको हम आज जीन कहते हैं वो ब्लेंड नहीं करता, ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं होता है, वो स्टेबल रहता है, वो एक इंडिविजुअल यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट की तरह एग्जिस्ट करता है। ये इनकी जो बातें थी ना किसी के पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है। जैसे हम अभी इतना अंग्रेजी इस्तेमाल भी नहीं करते, बट फिर भी बच्चे हमसे कहते हैं ना, कमेंट करते हैं मैम हिंदी में बताओ। बेटा मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, मुझे इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस ही बताया गया है, जेनेटिक्स को जेनेटिक्स ही बताया गया है। अगर मुझसे कोई बोले माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे तो उन बच्चों को ऐसा लगता होगा ना मैडम क्या बोल रही है, हमारी बातें तुम्हें फिर पल्ले नहीं पड़ती होंगी। वैसे ही उस ज़माने में इनकी ये सारी बातें कि एक फैक्टर स्टेबल होता है, एक फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट है, ये इनके जो फेलो कंटेम्प्रेरीज थे उस टाइम के जाने माने साइंटिस्ट, उन्होंने बोला क्या बातें हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो फालतू की बातें, तो बकवास है, किसी ने सराहाया ही नहीं। उन्होंने देखो लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन थे, A.R. वॉलिस थे, इन साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी को ही मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी बेकार, बकवास, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने सबसे अनोखा जो चीज़ किया था बायोलॉजी में मैथ्स को लाने का, ठीक है। अब वैसे ही मैथ्स हमारी इतनी फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे तुम्हारी मैम के पास PCM भी कॉम्बिनेशन था, आई गेस मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के पास भी ऐसा होगा, ठीक है, बट इन्होंने ले आए मैथ्स। मैथ्स तुम्हारी वैसे ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने बायोलॉजी लिया ही होगा मैथ्स से पीछे छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पे भी जब उनको बायोलॉजी पल्ले पड़ रही है, ठीक है, तो साइंटिस्ट के पल्ले भी नहीं पड़ा बेटा बायोलॉजी, मैथ्स हमें हमारे पल्ले अभी भी नहीं पड़ती है ना, जब बायोलॉजी में आ जाए तो उस टाइम पे स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी जैसे कंसेप्ट्स जो वैसे ही इतने टफ हैं, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द बायोलॉजी। तो देखो लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल और स्टैटिकल एनालिसिस एक बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया था ये बिल्कुल नया तरीका था, ठीक है, एंड अनएक्सेप्टेबल, बहुत नया था। तो नया होता है तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, भले बाद में एक्सेप्ट कर लें, बट शुरुआत में बोलते ना क्या वाहियात चीज़ है। तो ये जो तरीका था, प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी तो बता रहे थे, रेशियोज बता रहे थे, कितना डॉर्फ आ रहा है 1/4, ठीक है, कितना टॉल आ रहा है 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स बहुत नया था और बहुत लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल था, ये रीज़न था उनके फेल होने का। और ये ना बस कहते रहते थे बेटा फैक्टर 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 कुछ चीज़ होती है, इन्होंने ये नहीं बता पाए कि फैक्टर रहता कहाँ है। अब हमें पता है बेटा फैक्टर को जीन कहते हैं और जीन क्रोमोसोम पे होता है, पर उस टाइम पे तो ना क्रोमोसोम्स के बारे में पता था, ना माइटोसिस, ना मियोसिस। ये कितने ही लकी थे ना जो सोचते थे भाई सही हो गया, इन्होंने सोचा ऐसा समझा, लेकिन इन्होंने किसी का प्रूफ नहीं दिया था। देखो क्या लिखा हुआ है, दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये अगेन दूसरा रीज़न था इनके फेल होने का। और नेक्स्ट रीज़न क्या है, देखो उस टाइम तक बेटा क्रोमोसोम्स, माइटोसिस, मियोसिस की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, तो उनके थ्योरीज को कोई चीज़ का स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कहते हैं ना बेटा सबूत ही नहीं था इनको अपनी थ्योरीज प्रूव करने का, इसीलिए जब तक ये जिंदा थे इनके काम को किसी ने सराहाया ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया, सबको लगता था बकवास है, बट ऐसा नहीं था। 3 साइंटिस्ट थे बेटा, डिवरिस, फिशरमैक एंड कॉरेंस, इन तीनों साइंटिस्ट ने बेटा मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया 1900 में, उनके मरने के 16 साल बाद। इन्होंने बोला नहीं, मेंडल जी ने जो भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, फैक्टर्स की बात जो करते थे वो सब बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, और इनकी बात जो मेंडल जी की प्रूफ हो गई जब क्रोमोसोम वगैरह सब साबित हो चुका था, माइटोसिस मियोसिस हमें पता चल चुकी थी, और इसीलिए एक प्रकार का इनहेरिटेंस फिर और आया जो आप पढ़ने वाले हो, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो लेट्स रीड आउट व्हाट दिस इन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है ये। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था बच्चों, इट वॉज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट सटन एंड बोवरी, ठीक है, इन्होंने दिया था। अब क्या पता चलता आपको इस थ्योरी में, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि देयर इज अ क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स कौन कराता है बेटा, जीन्स। तो जीन्स और क्रोमोसोम्स पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, काफ़ी क्लोज सिमिलैरिटी है इसमें, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए ना, क्योंकि अब तो हमें पता चल चुका है, क्योंकि जीन्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स पर, तो क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होगा इनहेरिटेंस के दौरान वही बिहेवियर लगभग हमारा जीन्स भी शो करेगा। क्या नया है इसमें, है ना। यस, आप इसके देखो कुछ फीचर्स हैं, so what are the features of chromosomal theory of inheritance? Now let's read out and I'm going to explain each and every line also, ठीक है। पहला कैरेक्टर देखो क्या है इस थ्योरी का, कि हेरिडिटरी ट्रेड्स की तरह हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी अपना नंबर, अपना स्ट्रक्चर और अपनी इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दोनों कभी मिक्स नहीं होते। आप घर पर एक क्रोमोसोम, जीन का घर है, जीन उस पर रहता है, मिक्स थोड़ी हो जाता है उसके साथ, वो नेवर गेट्स मिक्सड अप, ठीक है, वो एज अ डिस्क्रीट यूनिट प्रेजेंट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो 46 नंबर हमारे पास ही है कि हमारे जो पिछले जनरेशन्स वाले होंगे, आने वाले कई जनरेशन, सबके पास 46 होगा, वही स्ट्रक्चर होगा, वही इंडिविजुअलिटी होगी, तो क्रोमोसोम नंबर भी तो बदल नहीं रहा ना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे, जो कि आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारे पास 30,000 जीन्स हैं, तो वो जीन्स का नंबर थोड़ी बदल रहा है, तो नंबर, स्ट्रक्चर और उसकी इंडिविजुअलिटी जनरेशन टू जनरेशन बरकरार रखती है। देख लो यहाँ पे भी जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कि दोनों क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन पेयर इन दी सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल्स। वो मानते हो या नहीं मानते हो, बिल्कुल मान लो। जैसे ये आपका एक डिप्लॉयड सेल है, दिस इज डिप्लॉयड सेल, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1 फॉर एग्जाम्पल। तो आप खुद देखो ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पेयर में है ना, This is a paired condition of chromosome. Paired condition of chromosome. क्यों पेयर्ड में है? क्योंकि डिप्लॉयड सेल है. पेयर कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम. तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड सेल में, या आप कह सकते सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड ही होते हैं बेटा, सोमैटिक सेल्स में क्या होंगे? पेयर में होंगे. सिमिलरली क्रोमोसोम्स में कौन प्रेजेंट होता है बेटा? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर यहाँ पर कैपिटल टी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी मौजूद है. ठीक है, तो आप देख सकते हो जो जीन्स हैं दैट इज ऑल्सो इन पेयर. पेयर कंडीशन ऑफ जीन्स. पेयर कंडीशंस ऑफ जीन्स, है ना, है ना. तो आप देख सकते हो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, जीन्स भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है. क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन में दोनों ही पेयर में मिलेंगे. तो यहाँ पे भी देखो सिमिलैरिटी, दोनों जोड़े में एग्जिस्ट कर रहे हैं. और देखो क्या सिमिलैरिटी है, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स दोनों सेग्रीगेट कर जाएंगे गेमीट बनाने के दौरान. क्या ये भी सही है? यस बिल्कुल सही है. मान लो बेटा ये कंडीशन है, या आप दूसरी कंडीशन ले लो. यहाँ पर तो मैंने कैपिटल टी प्योर कंडीशन ली है. मान लो अब मैं दूसरी कंडीशन आपको इम्प्योर हेट्रोजाइगस कंडीशन वाली भी सिखा देती हूँ. सिखाना तो मुझे सभी है ना बेटा, आपको वर्सेटाइल होने चाहिए आप. ठीक है, तो मान लो ये एग्जाम्पल लेते हैं. कैपिटल ये हो गया हमारा डिप्लॉयड कंडीशन. क्यों डिप्लॉयड? क्रोमोसोम पेयर में लिखा है. ठीक है, अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो जीन ने भी तो कसम खा रखी है पेयर में होने के लिए. ठीक है, अब मान लो इम्प्योर कंडीशन हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्रोमोसोम भी जोड़े में है और जीन्स भी जोड़े में है. तो जोड़े में क्यों है? क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है. मान लो अब इस डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड बनना है, और हैप्लॉयड कब बनते हैं? गेमीट बनाने के दौरान. तो ये क्या करेंगे बेटा? मियोसिस में जाएंगे. अब मियोसिस क्या कराती है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करती है. बताया था ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेगी. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग कर देना. किसको अलग अलग करेगी? किसको अलग अलग करेगी? जो ये पेयर्ड कंडीशन है ना, ये जो जोड़ा है इसको अलग अलग कर देगी. तो जब अलग अलग करेगी तो देखो क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे. ये हो गए अलग. ठीक है, और साथ ही साथ इस पर बैठी हुई जो सवारी है वो भी अलग अलग हो जाएगी. कैपिटल टी इधर आ जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा. तो देखो मियोसिस जब हुआ, कब हुआ? गैमीट बनाने के दौरान. ये है गैमीट का टाइप 1, ये है गैमीट का टाइप 2. तो देख सकते हो आप गैमीट जब बन रहा है तो क्रोमोसोम जो पहले पेयर में थे वो अलग अलग हो गए, जीन्स जो पहले पेयर में थे वो अलग अलग हो गए. ठीक है, क्रोमोसोम भी अलग, जीन्स भी अलग. अगेन सिमिलैरिटी आप देख रहे हो क्रोमोसोम और जीन में. सब चीज का प्रूफ मिलता जा रहा है आपको. ठीक है, और क्या सिमिलैरिटी है ये देखो. गैमीट कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली 1 ऑफ द 2 एलील्स. यस, जो गैमीट बनता है उसमें दोनों क्रोमोसोम पहुंच गया क्या? नहीं, एक ही क्रोमोसोम पहुंचा है. उसमें क्या दोनों एलील्स पहुंच गया क्या? नहीं, एक ही एलील पहुंचा है. या तो कैपिटल टी पहुंचा है या तो स्मॉल टी पहुंचा है. देख लो ये जो गैमीट बना इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पहुंचा. ठीक है, और ये जो गैमीट बना है इसमें एक ही कैपिटल टी पहुंचा है. यहाँ पर देखो एक ही जीन पहुंचा है, एक ही एलील पहुंचा है. तो गैमीट क्योंकि हैप्लॉयड है ये एक ही क्रोमोसोम रखेगा और एक ही एलील को रखेगा. ठीक है, तो देखो क्रोमोसोम भी एक तो जीन भी एक. अगेन सिमिलैरिटी आप देख रहे हो. और जब इनको फ्यूज होना हो तो ये बड़े आराम से फ्यूज भी हो जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे. गैमीट्स बन गए, जाइगोट बना लेंगे और फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कंडीशन में आ जाएंगे. तो अगर इनकी कंडीशन को रीस्टोर करना है तो ये फिर से चिपक सकते हैं. एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे को मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है. ये आसानी से अपने 2n कंडीशन को रीस्टोर कर सकते हैं फ्यूज होकर के, फर्टिलाइज होकर के. तो देखो यही बात लिखी हुई है. The paired condition दोनों क्रोमोसोम्स की as well as Mendelian factor, जिसको हम क्या कहते हैं जीन्स, उनको रीस्टोर किया जा सकता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैपिटल A टाइप का गैमीट है, दूसरा स्मॉल a टाइप का गैमीट है. इनको क्या करा दो? फर्टिलाइजेशन में भेज दो. ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भेज दोगे, दोनों पास पास आ जाएंगे और पास पास आने की वजह से पेयर में हो जाएंगे और पेयर्ड कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन इनकी रीस्टोर हो सकती है. क्लियर है, बट इन्होंने बेटा सिर्फ बातें की थी। इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था, और इसीलिए टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन भी बोल सकते हो बेटा या टीएच मॉर्गन भी बोल सकते हो, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल जी हैं, बट फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है तो मॉर्गन जी हैं। मॉर्गन की भी अपनी जेनेटिक्स है बेटा, वो आप पढ़ोगे, का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन था, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अब आपको कुछ एनसीईआरटी के इमेजेस दिखाती हूँ, ठीक है, और ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये सारे हमने पॉइंट्स में कवर कर लिए हैं। देखो ये सब लिखा हुआ है बेटा कि 1865 में इनका काम सबमिट कर दिया था, बट बहुत सारे रीजनों की वजह से, रीजनों व्हाट आर इंग्लिश, इनका काम अननोटिस रहा, अनअप्रिशिएटेड रहा टिल दी 1900। तो हमने सारा पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो अब हम एनसीईआरटी वाले स्क्रीनशॉट्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी वाले डायग्राम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर देखो, क्योंकि जब मेंडल जी ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब जब गैमीट बनता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चलती है, तो यहाँ पर गैमीट्स बनाए हैं। जर्म सेल्स क्या है, गैमीट्स हैं। तो उस टाइम पे तो उन्होंने कोई क्रोमोसोम वगैरह था नहीं, तो क्रोमोसोम का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थोड़ी समझाया था, बातें की थी। और अब तो हमें क्रोमोसोम भी पता चल गया, अब हमें ये भी पता चल गया जीन क्रोमोसोम पर के ऊपर होता है, तो क्यों ना इस थ्योरी का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देख लें। बिल्कुल देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये देखो, एक पेज लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम 1, ठीक है। कोई भी एक सेल जब सेल साइकिल में जाता है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा बेटा, इसमें 11th क्लास में जा करके, तो सबसे पहले एंट्री मारता है इंटरफेस में। इंटरफेस में उसकी मुलाकात किससे होती है, जीवन से, ठीक है। जीवन में क्रोमोसोम रिलेटेड चेंजेस नहीं आते, जो चेंजेस आते हैं वो एस फेज में आते हैं। तो अगर ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला सेल एस फेज में जाएगा तो क्या ऐसा ही होगा? देखो नंबर नहीं सेम होता है, बट एस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक चलती है बेटा, जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम चलता है। क्या चलता है बेटा? रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम 1 का एक धागा ये, दूसरा धागा ये, यहाँ पर क्या होगा, उस धागे का जोड़ादार आ जाएगा। ये देखो आ गया ना, आ गया ना। जैसे मान लो मैं क्रोमोसोम 1 हूँ, अभी मेरा एक हाथ और एक टांग, आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ और एक पैर है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जीवन में हूँ, जैसे ही एस फेज में जाऊंगी इसका दूसरा हाथ और दूसरा पैर भी आपको दिखने लगेगा, आ जाएगा, दिख रहा है ना। सिमिलरली ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2n, है ना। यहाँ पे भी अभी एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, तो अभी भी यहाँ पर दो क्रोमोसोम ही है, तो ये भी 2n है। बट क्योंकि क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर चुके हैं, धागे देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4c कंटेंट। इसीलिए क्लास 11th में लिखा होता है बेटा कि एस फेज के बाद नंबर नहीं बदलता। जैसे मैं एक ही इंसान थी, जब मैं जीवन में थी तो मेरा एक हाथ और एक पैर दिख रहा था, है ना, जब मैं जीवन में थी तो मेरा एक हाथ और एक पैर ही दिख रहा था, स्टिल मैं एक ही इंसान हूँ। और जब एस फेज में गई तो मेरे दो हाथ दो पैर दिखने लगे, दो हाथ दिखने लगा ना, इंसान तो अभी भी मैं एक हूँ। नंबर बदला क्या? नहीं बदला, बस हाथ डबल हो गए, है ना। सिमिलरली क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं बदल रहा, क्रोमोसोम्स के हाथ डबल हो जा रहे हैं, ऐसे समझो ना। तो 2n 4c हो गया। अब क्या होगा बेटा, ये जाता है मियोसिस में। इसमें जाता है बेटा मियोसिस में। मियोसिस में एक एनाफेज आता है बेटा, एनाफेज 1। उसमें क्या होता है, उस एनाफेज 1 में, ठीक है, ये जो भी पेयर्ड कंडीशन है ये अलग अलग हो जाती है। ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। एक पोल पर दूसरा दूसरे पोल पर चला जाता है, थोड़ा सा रिकॉल करना है आपको। अब क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 होगी, क्योंकि आपको पता है मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। मियोसिस 2 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, मियोसिस टू होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, तो तुमने क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम जो पहले पेयर्ड थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं इनको, वो मियोसिस वन के बाद एट द एंड ऑफ मियोसिस वो पेयर्ड कंडीशन अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गए। मियोसिस टू में क्या होगा बेटा, ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, और इन आर्म्स को क्या कहते हैं बेटा, ये एक क्रोमैटिड है, दिस इज क्रोमैटिड वन, ठीक है, और ये ग्रीन वाला दूसरा क्रोमैटिड है, सेकंड क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड कब बना था, आफ्टर रेप्लिकेशन, तो क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। यहाँ मियोसिस वन के बाद क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, मियोसिस टू के बाद क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, क्रोमैटिड्स अलग होंगे, एक क्रोमैटिड एक सेल में, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे सेल में। यहाँ पर भी यही होगा बेटा, एक क्रोमैटिड एक सेल में और दूसरा क्रोमैटिड दूसरे सेल में, है ना। तो कितने सेल बन गए, एक देखो, एक ये टाइप ऑफ गैमीट, एक ये टाइप ऑफ गैमीट, एक ये टाइप और एक ये, आप देख सकते हो। आपको पता है ना, मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मियोसिस की वजह से जो क्रोमोसोम्स एक साथ थे वो सारे के सारे अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं तो उन पे चिपका हुआ जीन्स अलग नहीं होगा, वो भी तो अलग होगा, है ना। तो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके हम आसानी से समझ सकते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तो मेरा डायग्राम था, अब एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो। एनसीईआरटी ने 2n = 4 कंडीशन ली है यहाँ पर, ठीक है। 4 क्रोमोसोम्स हैं पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, इनके रेप्लीकेशंस हो रहे हैं, ठीक है, इनके रेप्लीकेशंस हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पर ग्रीन डबल हो गया, ऑरेंज डबल हो गया, येलो डबल हो गए, रेड डबल हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये एस फेज में गया है और एस फेज में रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद जब मियोसिस वन होगा तो मेटा फेज में वो बीचों बीच आ जाते हैं, और एना फेज के कंप्लीट होने के बाद ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, ठीक है। अब जब मियोसिस टू होगी तो देखो इनके क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होने लगे। ये देखो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स लग गए, ये इस पोल पे जाएगा, ये इस पोल पे जाएगा। यहाँ पर भी इस क्रोमोसोम का क्रोमैटिड देखो अलग होने लगा, ये इस पोल पे जाएगा, ये इस पोल पे जाएगा। तो ये वाला क्रोमैटिड इस सेल में घुस गया, ये वाला क्रोमैटिड इस सेल में, ये वाला क्रोमैटिड इस सेल में, ये वाला क्रोमैटिड इस सेल में, एंड दिस इज हाउ आपको 4 जर्म सेल्स बन के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बेटा इसी तरीके से समझा जा सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इसी तरीके से समझा जा सकता है। तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज होती है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमने कौन सा क्रॉस समझा था, डाई हाइब्रिड, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने देखा था कि डाई हाइब्रिड में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलती है, वो तो सिर्फ बातें कर दी गई थी। क्या हम इसको भी क्रोमोसोम्स के बेसिस पर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कि 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनता है, और वो 4 टाइप इसीलिए बन पाता है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। कैपिटल आर डोमिनेंट है तो उसने कसम नहीं रखा रखी कि डोमिनेंट के साथ ही जाऊंगा भैया नहीं तो मर जाऊंगा, ऐसा तो खा नहीं रखा। इस चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने 2 पॉसिबिलिटी लिख रखी है। तो देखो एक लिखा हुआ है जो 1 लॉन्ग ऑरेंज है और दूसरा एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है, और एक लॉन्ग येलो क्रोमोसोम है और दूसरा शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है एट द सेम पोल। यहाँ पर देखो कंडीशन बदल दी है, यहाँ पर इन्होंने ऑरेंज के साथ ग्रीन रखा है, बट यहाँ पर इन्होंने ऑरेंज के साथ रेड रखा हुआ है। और अगर मैं आपको एलील्स के फॉर्म में समझाऊं तो देखो यहाँ पर इस क्रोमोसोम में आर मतलब कैपिटल राउंड वाला एलील मौजूद है, और यहाँ पर कैपिटल येलो वाला एलील मौजूद है। मतलब इस वाले पॉसिबिलिटी में डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट दिखाया गया है, रेसेसिव के साथ रेसेसिव दिखाया गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है बेटा कि डोमिनेंट के साथ रेसेसिव वाला एलील हो और रेसेसिव के साथ डोमिनेंट वाला एलील हो, आप देख सकते हो। तो जिस प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी ना बेटा उस प्रकार से टाइप्स आ सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी इसीलिए बन रही है क्योंकि मेंडल जी ने बोला कि ये जो एलील है ये असॉर्ट करेगा इससे इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट वाला हमेशा डोमिनेंट के साथ ही जाए, डोमिनेंट वाला रेसेसिव के साथ भी जा सकता है। यही होती है बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और आप देख सकते हो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो देखो मियोसिस टू में, ठीक है, मियोसिस टू में एना फेज टू जब चलती है तो क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट हो गए क्रोमैटिड्स, स्पिंडल फाइबर लग गया, सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर्स लग गया, सेपरेट कर देंगे। तो देखो ऑरेंज वाला ग्रीन के साथ, और ऑरेंज क्या था कैपिटल आर, ग्रीन था क्या था कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला टाइप ऑफ गेमीट बन जाएगा। यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला टाइप गेमीट बन गया। यहाँ पर देखो येलो वाला रेड के साथ, तो येलो क्या था स्मॉल आर, रेड क्या था स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी। तो आपको एक कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप दिख रहा है, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप दिख रहा है। अगर इस प्रकार की पॉसिबिलिटी होगी तो देखो एक कैपिटल आर स्मॉल वाई दिख रहा है और स्मॉल आई कैपिटल वाई दिख रहा है। रेसेसिव डोमिनेंट के साथ मौजूद है, रेसेसिव डोमिनेंट के साथ मौजूद है ना। और इन दोनों को जब क्लब कर दोगे आप तो आपको चार टाइप्स ऑफ गेमीट्स मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। तभी हम बोलते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये चार टाइप्स ऑफ गेमीट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। क्लियर हो गया बच्चों? क्यों नहीं क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। आप देखो एनसीईआरटी की एक और लाइन है, उसी डायग्राम से जस्ट ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरिंग एना फेज ऑफ मियोसिस वन जो दो क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं दे कैन अलाइन एट दी मेटाफेजिक प्लेट इंडिपेंडेंटली। पहली बात तो मेटाफेज पे अलाइनमेंट मेटाफेजिक प्लेट में होती है बेटा, एना फेज में सेपरेशन होती हैं। एनाफेज में होमोलोगस पेयर दे सेग्रीगेट, ठीक है, और एनाफेज टू में क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स दे सेपरेट, ठीक है, करेक्शन, ओके। और इस जो फिगर मेंशन की है बेटा वो फिगर वही है जो अभी हमने पढ़ी है। तो ये चीज़ यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी लिखा है बेटा तो याद रख लेना, ये मार्क कर लेना, ये चीज़ यहाँ पर है, याद रख लेना ये सब क्या होता है। ओके नेक्स्ट, अब हमने कहा कि मॉर्गन जी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। तो मॉर्गन जी ने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, जैसे मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट की थी तो कोई एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी तो लिया था, तो मॉर्गन जी ने भी लिया था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ लेंगे क्लास खत्म हो जाएगी, फिर उसका स्टडी डिटेल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। तो इन्होंने किसको लिया था जस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इन्होंने एक छोटी सी मक्खी जो कि आपने देखी होगी फ्रूट पे भिनभिनाते हुए घूमते हुए, दैट इज फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसको साइंटिफिक नाम में जानते हैं हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सेलेक्ट किया था फ्रूट फ्लाई को, ड्रोसोफिला को, जो कि बहुत छोटी सी टाइनी फ्लाई है, इतनी छोटी साइज होती है इसकी, विच इज फाउंड ओवर राइप फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड बनाना। बनाना के ऊपर बेटा मंडराते हुए छोटी छोटी मक्खियाँ जो तुम देखते हो ना, दैट इज फ्रूट फ्लाई ओनली। और उसी फ्रूट फ्लाई पर मॉर्गन जी ने अपना काम किया था। तो जैसे हमने मटर के लिए पढ़ा था कि वाई मटर, ऐसा क्या खास था मटर में, सिमिलरली हम पढ़ेंगे वाई दिस फ्लाई, ऐसा क्या अनोखा है इस चीज़ में। तो आप देखो द रीजंस फॉर सेलेक्टिंग एक्सपेरिमेंटल ड्रोसोफिला एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज, देखो क्या लिखा हुआ है, इनको बड़े आसानी से तुम किसी भी मीडियम में ग्रो कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट बेटा, पल्प भी मत दो, छिलके पे भी ग्रो कर जाती हैं, दे आर सो इजी टू ग्रो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना बेटा वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो तुम जल्दी जल्दी स्टडी कर सकते हो, है ना। तुम ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ले लो जिनका लाइफ साइकिल बहुत लंबा है, क्या इंतजार ही करते रहोगे तुम? नहीं ना। तो हमें हमेशा ऐसा मटेरियल लेना पड़ता है जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम टाइम्स के लिए हो, ठीक है, जैसे जल्दी से रिप्रोड्यूस वगैरह करके अपने बच्चे दे दे, फिर उनके बच्चों पे हम स्टडी कर सके। बिकॉज तुम्हें जेनेटिक्स पढ़नी है, जेनेटिक्स में तुम्हें जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये था। तीसरा क्या था, एक ही बार में बेटा बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जैसे मटर में एक बार में बहुत सारी सीड्स मिलती हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, सारे बच्चों पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर फीमेल्स को बड़े ईजिली तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल से, क्यों बेटा? क्योंकि फीमेल की साइज जो होती है फीमेल फ्लाई की वो बड़ी होती है, ठीक है, मेल जो फ्लाई होती है बेटा उसकी साइज स्मॉल होती है, प्लस फीमेल के पास देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओवी पॉजिटर। ओवी पॉजिटर क्या होता है बेटा? एग लेइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ओवी पॉजिटर इज एग लेइंग स्ट्रक्चर। इन सबको देखते हुए फीमेल्स दे आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दी मेल, तो ये भी एक रीजन है ड्रोसोफिला को सेलेक्ट करने का। नेक्स्ट क्या रीजन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये छोटी मक्खी, ये बड़ी मक्खी, छोटी मतलब समझ चुके होगे ये क्या है, ये मेल। ये बड़ी मक्खी है, समझ चुके होगे ये क्या है बेटा, फीमेल। अब देखो इनके पास ना बहुत कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने, 4 पेयर्स। 4 पेयर मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम्स ही है बेटा। इतना ही अच्छा है ना, 8 ही क्रोमोसोम्स को पढ़ना होगा। तो ऐसे हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म ले लो बेटा, पढ़ते पढ़ते ही मर जाए, ठीक है। तो हमेशा छोटे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे वहां पर कितने थे बेटा, 14, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मटर में 14 था, या तुम्हें सिर्फ 7 क्रोमोसोम्स ही पढ़ना था। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स ही पढ़ना पड़ेगा, 4 का पेयर ही तो है, तो 4 पढ़ लो, वो सेम ही तो होते हैं, होमोलोगस। उसके बाद देखो, इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस, जो तुम बड़े आसानी से लो पावर माइक्रोस्कोप पे ही देख लेते हो। लो पावर माइक्रोस्कोप पे इनके हेरिडिटरी वेरिएशंस, इनहेरिटेंस वाले जो हैं वेरिएशंस वो आसानी से दिख जाते हैं, तो ये भी एक रीजन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनके पास लिखा हुआ है कि जो मेल होते हैं उनके पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, जो फीमेल होती है उनके पास दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। बट मैं ऐसे बताती हूँ आपको, देखो हमने क्या पढ़ा कि इनके पास टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं, है ना। इस 8 में से बेटा जो 6 होते हैं ना वो तो ऑटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं वो, तो ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब जिनका सेक्स उसमें सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, ये बॉडी वाले क्रोमोसोम्स है, ये सेक्स सेल जर्म सेल्स में नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, बचे 2, तो 2 हमारे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के। कौन से 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अब आपको पता है ड्रोसोफिला एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वहां पर क्रोमोसोम जोड़े में होगा। अगर एक्स एक्स का जोड़ा है, ये भी एक्स, तो बन जाती है फीमेल। अगर एक्स वाई के साथ मौजूद है, अगर एक्स वाई के साथ मौजूद है बेटा, तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या बन जाते हैं, मेल, ठीक है। अगर सेम क्रोमोसोम है, जैसे फीमेल के पास देखो सेम क्रोमोसोम है, एक्स एक्स क्रोमोसोम से हमारे में भी फीमेल क्या होती है बेटा, एक्स एक्स, सेम क्रोमोसोम, ठीक है। तो फीमेल्स क्योंकि सिंस कंटेन सेम क्रोमोसोम therefore they are known as homomorphic। होमो मतलब का सेम, होमोमॉर्फिक। वेयर एज मेल्स, देखो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम लेके बैठा है और एक वाई क्रोमोसोम लेके बैठा है, दे हैव डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स, मेल्स हैव डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स, तो हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, देयर फोर हेटरोमॉर्फिक। हेटरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि इनके पास हेटरोमॉर्फिक मतलब डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं मेल में, एक्स वाई टाइप के, और इनका ये ट्रांसमिशन ऑफ हेटरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स कैन बी इजिली स्टडीड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, ठीक है, क्योंकि वाई एक्स और वाई का इस प्रकार का ट्रांसमिशन अगर ये ट्रांसमिट होकर के नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, जो कि जाएंगे ही, क्योंकि यही तो इनहेरिटेंस है, इनका ट्रांसमिशन भी बड़े इजिली आप स्टडी कर सकते हैं बिकॉज दे आर हेटरोमॉर्फिक, ठीक है। तो मेल्स में हेटरोमॉर्फिक होता है, फीमेल्स में सेम क्रोमोसोम है, तो फीमेल्स को हम होमोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है बेटा जिसकी वजह से मॉर्गन जी ने इस पर काम किया था। और अब आपके लिए आता है बेटा एक होमवर्क, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होमवर्क है, और लेट्स सी कि हाउ मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई करेक्टली। ये एनसीईआरटी का होमवर्क है जिसमें आपको बताना है कि कॉलम ए वाला जीन है या कॉलम बी वाला जीन है, या आपको बताना है इनमें से कौन क्रोमोसोम है कौन जीन है। लेट्स सी कितने बच्चे सही बता पाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, और इसका सही जवाब मैम देंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। पहले मैम चाहती हैं आप खुद तो कुछ करो, ठीक है, खुद कुछ पढ़ोगे, मेहनत करोगे, इसका जवाब ढूंढोगे, बहुत सारी नई चीज़ सीखोगे, तो दैट विल बी मोर फन, है ना। एंड वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम बात करेंगे मॉर्गन जी के कहानी के बारे में कि आखिरकार मॉर्गन जी ने काम किस पे किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक एवरीवन।